हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सेव बटन का कोड लिखा था और वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा था, हमारा डेटा सेव हो रहा था। आज हमें इस मॉडिफाई बटन की कोडिंग करनी है, तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब जो कोड मैंने सेव वाले बटन के लिए लिखा था, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये अगर पिछला वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, ठीक है? क्योंकि हमने जो सेव बटन का कोड लिखा था उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सेव बटन का कोड था उसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारा जो बटन है वो मॉडिफाई का बटन रहेगा, ठीक है? मतलब हमें अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को फेच करके वेरिएबल में रिसीव कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे कमांड चेंज कर दी, इस बार मुझे डेटा को अपडेट करना है। तो अपडेट टेबल का नाम, हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, किस कॉलम को अपडेट करना है, मुझे स्टूडेंट के नाम और सेमेस्टर को अपडेट करना है। तो एस नेम के अंदर मैं वो वैल्यू डालना चाहता हूँ जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो मैंने लिखा सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, अब वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा उसको मैंने बताया था आप लिखोगे डबल कोट प्लस और प्लस डबल कोट के अंदर, ठीक है? तो एस नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा वो हम यहाँ पे रिसीव होगा। अब स्टूडेंट का जो नाम था वो तो वेरकेर टाइप का हमने बनाया था, तो इसमें एक एक सिंगल कोट भी आप दोगे। तो मुझे नाम को भी अपडेट करना है और सेमेस्टर भी अपडेट करना है। तो मैंने लिखा सेमेस्टर इक्वल सेमेस्टर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल, जो भी आप इसको समझें। फिर उसके बाद मैंने लिखा डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, और बीच में मैंने वेरिएबल का नाम लिखा सेमेस्टर, और ये भी वेरकेर था तो एक एक सिंगल कोड हम यूज़ करेंगे। अब हम कमांड अगर केवल इतनी लिखेंगे तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट का नाम और सेमेस्टर अपडेट हो जाएगा। बट सभी का एक साथ अपडेट नहीं करना है, हम चाहते हैं कि जिसका स्टूडेंट आईडी हम यहाँ देंगे, ठीक है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, थ्री प्रेजेंट है, तो मैंने लिखा थ्री। अब थ्री पे नाम पहले कुछ और था, अब मुझे चेंज करना है, तो यहाँ नया नाम और नया सेमेस्टर दूंगा और मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। तो जिसका मैंने नंबर लिखा, जो रोल नंबर मैं लिखूँगा थ्री लिखूँगा, तो थ्री वाला जो जिसकी आईडी थ्री है उस स्टूडेंट का नाम और सेमेस्टर अपडेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर उस स्टूडेंट का डेटा मुझे अपडेट करना है जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या है जो मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स में दी है। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो आईडी है वो एस आईडी वेरिएबल के अंदर है, ठीक है? अब यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, और वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पास कर दिया। अब ये तो इंटीजर था तो सिंगल कोट्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, एक रिकॉर्ड अगर अपडेट होता है तो हम मैसेज देंगे एन रिकॉर्ड्स, या तो एक रिकॉर्ड अपडेट होगा या एक भी नहीं होगा, क्योंकि जो आईडी हम देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने थ्री लिखा तो थ्री एक ही पर्सन की आईडी, एक ही स्टूडेंट की आईडी रहेगी, क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी की बनाया था, ठीक है? या तो वो आईडी होगी प्रेजेंट या तो आईडी नहीं होगी, नहीं प्रेजेंट होगी तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा, वो प्रेजेंट होगी तो एक ही प्रेजेंट होगी। और क्वेरी अगर सही लिखी है तो ये एक रिकॉर्ड हमारा अपडेट होगा, और हम यहाँ मैसेज दे देंगे वन रिकॉर्ड एन रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारा डेटा हमने रखा हुआ था, तो टेबल के अंदर ये सब डेटा पहले
पहले से हमने डाला हुआ है। ठीक है, 5 आकाश और 7, जैसे मैं ये 3 वाले को अपडेट करना चाहता हूँ, 3 पे नाम लिखा हुआ है एलेमेन। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करता हूँ अगेन। ठीक है, तो ये सब डेटा इसमें मैंने दिया हुआ है। अब 3 एलेमेन और 7 लिखा हुआ है तो इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा 3 और नाम मैंने यहाँ पे पहले लिखा था एलेमेन, अब मैंने नाम चेंज कर दिया और सेमेस्टर को भी चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया तो आपको मैसेज आ गया, वन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल अपडेट हमारा हो रहा है। ठीक है, अपडेशन सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब ये बटन का जो कोड है वो पूरी तरीके से सही है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट बटन का कोड बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।